हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार का रेल बजट क्या है। आखिर आपने तो देखा ही होगा, अभी फिलहाल ही में निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें अगर बिहार का रेलवे बजट जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए कि आखिर बिहार में रेलवे का बजट क्या मिला है। फिर से आए हैं गजब का फैक्ट और यूनिक नॉलेज लेकर। चैनल को सब्सक्राइब होकर प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार में ऐसा रेलवे का बजट क्या दिया गया है कि बिहार की तो बल्ले बल्ले हो गई है। तो आइए जानते हैं। बिहार में कुल 74,880 करोड़ रुपए के 57 प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में रेलवे के लिए रिकॉर्ड यानी 8,505 करोड़ रुपए का एलोवेशन दिया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेल के प्रबंधक अनुपम शर्मा ने बताया कि बजट के 2023-2024 में पूर्व मध्य रेल की परियोजनाओं, यात्री सुविधा, सुरक्षा, आधारभूत संरचना के नियंत्रण के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गई है। इस बजट में यानी 2023-24 में पूर्व मध्य रेल के लिए 8,568 रुपए करोड़ की राशि दी गई है। जो हमारे पूर्व मध्य रेल के प्रबंधक है अनुपम शर्मा ने बताया कि ये जो धनराशि दी गई है 8,568 करोड़ रुपए की, ये धनराशि बिल्कुल ही पर्याप्त है। और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि जो हमारी गया और मुजफ्फरपुर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, गया और मुजफ्फरपुर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाए। अगर हम बात करें कि गया और मुजफ्फरपुर को कितने करोड़ रूपए की धनराशि दी गई है, तो इसमें जो गया स्टेशन हेतु 140 करोड़ रूपए की धनराशि और मुजफ्फरपुर स्टेशन हेतु 176 करोड़ रूपए की धनराशि दी गई है। साथ ही बेगूसराय, सिंगरौली, सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं बरौनी स्टेशन के लिए 215 करोड़ रुपए का धनराशि दी गई है। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन के तहत पूर्व मध्य रेल के 77 स्टेशनों का चयन किया गया है, के लिए इस बजट में 82 करोड़ रुपए का धनराशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही लिफ्ट के लिए 17 करोड़, एक्सकेलेटर के लिए 7.5 करोड़ और फोबी प्लेटफॉर्म हेतु 77 करोड़ तथा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की गई है। डीआरएम आलोक अग्रवाल ने कहा, समस्तीपुर रेल मंडल के 3 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि डीआरएम आलोक अग्रवाल ने कहा कि हमारे बिहार के 3 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी भी शामिल है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार का रेलवे का प्रोजेक्ट और बिहार के रेलवे में क्या बजट दिया गया है आपको मालूम हो गया होगा। अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।